No, you got it. मंत्र विभाग दर्शकों, आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें कुंडली में यदि चंद्र तीसरे भाव में होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में बताया गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है, शशिनी सहज संस्थे पाप गेहे च नित्यम न भवति बहुभाषी भ्रातृ हर्ता सुगेहे भवति च सुख भोगी सोश्च गे रात्रि नाथे सकल धन निधानम शास्त्र काव्य प्रमोदी। अर्थात जिस जातक की कुंडली में चंद्र तीसरे स्थान में पाप ग्रह से प्रभावित होता है, ऐसे जातक अपने भाइयों की हत्या करने वाले या अपने भाइयों को नुकसान करने वाले, सुंदर और बहुत कम बोलने वाले होते हैं। यदि चंद्र स्वगृही या उच्च का होता है तो ऐसा जातक सभी प्रकार के सुख से युक्त होता है, शास्त्र काव्य कला और साहित्य में रुचि रखने वाले होते हैं। दर्शकों, मंत्र विभाग में आज मैंने आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताया जिसमें कुंडली में यदि चंद्र तीसरे स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया, स्थायी संपत्ति या प्रॉपर्टी के लाभ प्राप्त करने का उपाय बताया। विशेष में आज हमने केमद्रुम योग के भंग के बारे में जानकारी प्राप्त की और मंत्र विभाग में आज हमने ऐसे मंत्र के बारे में जाना जिसमें कुंडली में यदि चंद्र तीसरे भाव में होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भावेश दवे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।